तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 119 सीटों पर मतदान के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। इंडिया टुडे एक्सिस मै इंडिया के एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ PRS, विपक्षी दल कांग्रेस और भाजपा के खाते में जितनी सीटें दिखाई गई हैं, इससे साफ है कि तेलंगाना में कांटे की टक्कर होगी। इन आंकड़ों में अनुमान लगाया गया है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को सरकार बचाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। इंडिया टुडे आज तक एक्सिस मै इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 63 से 73 सीटें मिलने का अनुमान है। बहुमत का आंकड़ा 60 है। ऐसे में साफ तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। इस पोल के मुताबिक BRS को 34 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि KCR की पार्टी बहुमत के आंकड़े से पार्टी काफी दूर है। भाजपा को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। इससे पहले मतदान के तत्काल बाद 30 नवंबर की शाम में आए एग्जिट पोल के नतीजों में भी कड़े संघर्ष का अनुमान जताया गया था। जन की बात के एग्जिट पोल में BRS को 40 से 45 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया, कांग्रेस को अधिक सीटें मिलने का अनुमान है। 48 से 64 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने पर सरकार बनाने का मौका भी मिल सकता है। भाजपा को 7 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों को 4 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में इंडिया टीवी CNX के अनुमान के मुताबिक सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति यानी कि BRS को 31 से 47 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 63 से 79 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा को सिर्फ 2-4 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य की झोली में 5 से 7 सीटें जा सकती हैं। टाइम्स नाउ ETG के एग्जिट पोल में BRS को 37 से 45 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य की झोली में 5 से 7 सीटें जा सकती हैं। News24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक BRS को 33 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 71 सीटें तो वहीं भाजपा को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य और निर्दलीय की झोली में 8 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस की बड़ी बढ़त तेलंगाना चुनाव के बाद जारी अलग अलग एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि राज्य में के चंद्रशेखर राव की BRS का किला ढह सकता है। यहां कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती है। लगभग सभी सर्वे में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। सी वोटर के सर्वे में भी BRS को 38 से 54 सीटों के साथ पिछड़ती दिख रही है। इसके अलावा रिपब्लिक मैट्रिक्स, TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट और रिपब्लिक PMARK के सर्वे में भी कांग्रेस को बड़ी लीड मिलने का अनुमान है। 119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा के लिए गुरुवार को मतदान कराए गए। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बताया कि कुल 71.34% मतदान हुआ। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से जारी बयान के अनुसार मुनुगोडे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 91.89% मतदान हुआ। याकूतपुरा खंड में 39.64% के साथ सबसे कम मतदान हुआ। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग शाम 4 बजे जबकि बाकी 106 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में लोग शाम 5 बजे तक मतदान किए। सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। वीडियो डेस्क amarjwala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।